वेलकम स्टूडेंट्स टू चैनल स्टडी 24/7। सो कल मैंने क्लोज टेस्ट प्रीवियसली आस्क क्वेश्चंस में अपलोड किया था SBI CLERK PRE एग्ज़ाम 2016 में जो क्लोज टेस्ट पूछे गए थे, तो उसको मैंने अपलोड किया था। अभी आज रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड जो पूछे गए SBI CLERK PRE 2016 में, उसे हम देखते हैं। सो गाइज, इसमें आपको सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें पांच ऐसे शब्द दिए रहेंगे जिसकी जिसमें से एक की स्पेलिंग में कोई मिस्टेक रहेगी या फिर पांचों की स्पेलिंग करेक्ट भी हो सकती है। वो हमें ढूंढना है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है किसी एक वर्ड की वहाँ पे स्पेलिंग। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ये सेंटेंस आपको दिख रहा है, इसमें है ऑल द कॉम्पिटिटर्स कम्प्लीटेड द रेस विथ जस्ट वन एक्सेप्शन, और लास्ट में ऑप्शन है ऑल करेक्ट। सो आप देखिए, कॉम्पिटिटर्स का स्पेलिंग करेक्ट है, कम्प्लीटेड का भी करेक्ट लग रहा है, रेस का भी करेक्ट है। यहाँ पे सिर्फ एक्सेप्शन का जो स्पेलिंग है वो गलत हो गया, EXCEPTION हम ये कह सकते हैं। तो एक्सेप्शन यानी फोर्थ ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट, सो ये अपना आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, पुअर पोस्चर कैन लीड टू मस्कुलर प्रॉब्लम्स इन लैटर लाइफ, और लास्ट ऑप्शन तो आपको पता है ऑल आर करेक्ट का होता है। सो इसमें पोस्चर का स्पेलिंग इज गुड, इज करेक्ट, लीड इज आल्सो करेक्ट, मस्कुलर इज आल्सो करेक्ट, एंड प्रॉब्लम्स इज आल्सो करेक्ट। सो हियर आंसर विल बी द ऑल करेक्ट फिफ्थ। Then the next sentence is the pump shut off as a result of a mechanical failure, all correct. Guys, pump का spelling तो बराबर लग रहा है, off का भी बराबर लग रहा है, result का भी बराबर है, a भी यहाँ पर बराबर यूज किया है। Mechanical में k की जगह पे c होना चाहिए था, so fourth option is wrong, mechanical spelling is incorrect, MECHANICAL will be the spelling, but here they have used KAL. Next sentence, the principal gave a very pompous speech about the portals of learning, all are correct. Guys, principal का spelling is correct, pompous is also correct, but speech is incorrect spelling because SPECH is the speech spelling. Here they have used SPACH, यहाँ पर उन्होंने SPACH यूज़ किया, ये गलत है, SPECH यही होना चाहिए, और the portals of learning is also correct. So option is three is incorrect, speech spelling is incorrect, तो ये answer होगा। ठीक है, next sentence is coping with her mother's long illness was heavy load to bear. So guys, coping spelling is wrong, COPING will वहाँ पर होना चाहिए, वहाँ पर COPEING हो गया है, so वो incorrect है। तो option one is answer, incorrect spelling of coping, बाकी spelling illness load और bear का is correct। ठीक है, all correct नहीं है यहाँ पर, पहला option incorrect है। ठीक है, सो थैंक यू गाइज, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू वेरी मच, अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश अपलोड कर रहा हूँ, फिलहाल रॉन्गली स्पेल्ट और क्लोज टेस्ट अभी फिनिश हो गए, इसके बाद स्पेल फिल इन द ब्लैंक सेंटेंस इंप्रूवमेंट के वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड करूँगा, और उसके बाद फिर क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के अपलोड करूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी प्री में आए थे। सो डू connect with this channel, and this is Samraj signing off. Thank you very much.